नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू फ्रॉम मेन्स परसपेक्टिव आप देख सकते हो यहाँ पे आर्टिकल रिसेंटली सचिन वाजे वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस विदाउट अ डिपार्टमेंटल प्रूव राइट तो हम लोग इस चीज के ऊपर एक व्यापक चर्चा करने वाले हैं अगर आप इस ऑर्डर के बारे में देखिए जिसमें उनको डिसमिस किया गया वहां पर उल्लेख किया गया आर्टिकल थ्री हंड्रेड इलेवन क्लॉज टू सब क्लॉज बी के बारे में तो हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं आर्टिकल 311 के बारे में जो चर्चा का विषय रह चुका है बहुत सालों से इनफैक्ट एट द एंड ऑफ द डिस्कशन मैं आपको एक सवाल भी पूछूंगा विच इज बेस्ड ऑन एन आर्टिकल ऑलमोस्ट 10 टू 11 इयर्स बैक राइट तो वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन स्टे ट्यूड विद मी जहां पे आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आई एम योर फ्रेंड राहुल साइग कर अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो कैन फॉलो मी ऑन दी आईडी राहुल साइड ट्रिपल टू मेरा फेसबुक इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का आई सेम है इस टेलीग्राम चैनल पर आपको इस प्रेजेंटेशन की पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो इट्स गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू घर बैठे सेफली प्रिपेयर कर सकते हो हमारे स्मार्ट कोर्स के साथ जहां पे आपको मेंस करंट अफेयर्स बहुत सारा कंटेंट मिलेगा जस्ट विजिट विजिटी या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से चलिए बात करते हैं खबर के बारे में देखिए दो बार जो पहले सस्पेंड हो चुके थे अभी रिसेंटली सस्पेंड होते उससे पहले 2002 के एक घाटकोपर बॉम्ब्लास्ट केस से रिलेटेड केस के साथ भी सचिन वाजे सस्पेंड हो चुके थे अभी इस बार वो डिसमिस कर दिए गए डिसमिस फ्रॉम दर्विस सर्विस राइट तो इसके ऊपर हम लोग एक चर्चा करेंगे देखिए बैकग्राउंड मैं आशा करता हूं कि आप जानते हैं क्योंकि इसको हम लोगों ने स्टडी आई के ऊपर कवर भी किया था असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे को अरेस्ट किया गया था एनआईए द्वारा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा किस केस में रिलेटेड एक एसयूवी था जिसमें एक्सप्लोजिवस लगे हुए थे और वो एस पार्क इट वॉज पार्क आउटसाइड मुकेश अंबानी हाउस दिस केस एंड ऑल्सो इन मर्डर ऑफ बिजनेसमैन मनसुख हिरान इन दोनों केसेस से रिलेटेड इनको अरेस्ट किया गया उसके बाद सस्पेंड किया गया था अगर आपको इस केस की जानकारी चाहिए तो यू कैन ऑलवेज वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो ऑन स्टडी आई क्यू वेयर वी हैव कवर्ड दिस इन डिटेल राइट तो पहले इनको सस्पेंड किया गया लेकिन अभी मई 2021 में डिसमिसल हैज हैपेंड सो अर्लियर एनकाउंटर कॉप फेमसली नोन एज एनकाउंटर कॉप सचिन वाज इन सस्पेंडेड नाउ

क्या एक्टली exactly है यह आर्टिकल थ्री हंड इलेवन के बारे में उल्लेख किया था इस पर्टिकुलर ऑर्डर चलिए बात करते हैं आर्टिकल थ्री इलेवन के बारे में देखिए आर्टिकल 311 इलेवन इट डील्स विद पनिशमेंट रूल बट प्लीज रिमेंबर पनिशमेंट रूल्स में कहूंगा थोड़ा सा मिसनोमर होगा क्योंकि आर्टिकल थ्री हंड्रेड इलेवन को काफी मिस यूज किया गया है। इसको कहते हैं कि इट इज अ प्रोटेक्शन टू दिविल सर्विस

और उसके अगर नीचे हो तो लेजिस्लेटिव रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में तो यहां पर सचिन वाजे के, के केस में असिस्टेंट इंस्पेक्टर है तो इनकी अपॉइंटमेंट और इनकी रिमोवल की पावर मुंबई पुलिस कमिश्नर के पास थी तो कमिश्नर सेट ही इज से अप्रोप्रिएट अथॉरिटी टू डिसमिस हिम लेकिन अगर हटाना है तो हटाने के लिए प्रोटेक्शन दी गई है वन में तो जिसने अपॉइंट किया है वही हटा सकता है क्लॉज टू में आप देखिए दिस इज द रियल प्रोटेक्शन रियल प्रोटेक्शन क्यों क्योंकि आप इंसान को यानी कि आप सर्विस से सिविल सर्वेंट जो है उसको डिसमिस या फिर रिमूव सर्विस से नहीं कर सकते विदाउट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और विदाउट ड्यू हियरिंग अब दिस इज कंसिडर्ड एज अ प्रोटेक्शन वाई मेनी टाइम्स टाइम्स डिसऑनेस्ट ऑफिसर मिस यूज हम जानते हैं कि इंडिया में जब भी इंक्वायरी होती है तो काफी लंबी चलती है इन्वेस्टिगेशन अब उसके दौरान थिंग्स चेंज एविडेंसिस चेंज एटसेट्रा सो दिस गिवस टाइम टू प्ले अराउंड बेसिकली राइट तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रोटेक्शन है जब तक चार्जेस प्रूव नहीं होंगे तभी आ, तो आप उनको हटा नहीं सकते डिसमिस नहीं कर सकते इस तरह की चीजें जरूर होती है। लेकिन इसी में सब दी गई है कि कब आप सिविल सर्वेंट्स को बिना हियरिंग के हटा सकते हैं अब सब क्लॉज ए में कहा गया है कि अगर कोई सिविल सर्वेंट कोई ऑफिसर है वो क्रिमिनल चार्ज में कॉन्विक्ट हो चुके हैं तो आप उनको डायरेक्टली डिस्मिस कर सकते हो दिस इज क्वाइट लॉजिकल

हंड्रेड एंड इलेवन क्लॉज टू सब क्लॉज बी में हटाया गया अब सब क्लॉज थ्री में यह कहा है जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या फिर एमपॉर्ड अथॉरिटी है उनका डिसीजन भी फाइनल होगा यानी कि अब जो मुंबई कमिश्नर ने यह कहा है कि आई आई एम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड एंड कैन डिसमिस राइट नाउ इट इज नॉट पॉसिबल टू होल्ड दैट इंक्वायरी दैट हिज डिसीजन वुड बी फाइनल राइट सो दीज आर लीगल एस्पेक्ट्स दीज आर दूशन लीगल एस्पेक्ट्स अब सवाल यह उठता है कि क्या इन चीजों को मैं चैलेंज कर सकता

टू गेट समा मेन डिस्कशन का मुद्दा है विद रिस्पेक्ट टू तो आर्टिकल थ्री हंड्रेड एंड इलेवन देखिये आर्टिकल थ्री हंड्रेड एंड इलेवन एक बहुत ही कंटेंशियस आर्टिकल रहा है पहले से ही क्योंकि इसको काफी मिस यूज किया है सिविल सर्वेंट्स ने और आर्टिकल थ्री इलेवन

कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी गई है सिविल सर्वेंट्स को उसको हटा दे तो दिस इज योर क्वेश्चन जो मैंने आपको कहा था कि काफी पुरानी न्यूज है फ्रॉम 2009 दिस न्यूज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो स्टेटमेंट आया था इट केम फ्रॉम वीरप्पा मोइली नाउ वीरप्पा मोइली एट दैट टाइम वॉज यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ इन द यूपीए गवर्नमेंट बट ही वॉज ऑल्सो चेयरमैन ऑफ द सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन और सेकेंड एआरसी ने ये कहा था कि हमें constitutional provisions दो article 311 में और और 310 में दिए हैं, उनको हमें करना करना चाहिए। चाहिए? उन्होंने कहा कि क्या देखिए एआरसी का रिकमेंडेशन क्या था प्लीज डिलीट आर्टिकल 310 आर्टिकल 310 में क्या कहते हैं बेसिकली डॉक्ट्रीन ऑफ प्लेजर है, है यानी कि आप कब तक सर्व कर सकते हो सरकार में वट द रूल से टिल दी प्लेजर ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटीमेंट सिक्सटी टू वट एवर थ्री हंड्रेड लेवन में विदाउट ड्यू हियरिंग आपको हटा नहीं सकते हैं राइट अब इस चीज की वजह से क्या होता है इस चीज की वजह से यह होता है कि सिविल सर्वेंट काफी ज्यादा कंप्लेसेंट हो जाते हैं कंपलेसेंट इन देंस अगर मैं काम ना करूं गवर्नमेंट सर्विस हैं तो काम करे ना करे मुझे कोई हटा नहीं सकता है ये बिलीफ सिस्टम हो जाता है क्योंकि देखिए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो जाती है तो काफी लंबी चलती है तो उसमें uh, तो उन्हें हटाने के लिए काफी दिक्कत होती है सरकार को इसीलिए सेकेंड डीआरसी ने कहा कि आर्टिकल 310, आर्टिकल 311 दोनों को डिलीट कीजिएगा और 309 हंड्रेड नाइन कहता है थ्री क्या कहता है कि सिविल सर्विस रूल्स सरकार बना सकती है पार्लियामेंट पे क्लियर कट ये प्रोटेक्शन भी दी जाएगी लेकिन काफी एक्सपीडिश uh, ट्रायल्स होंगे और जल्द से जल्द जस्टिस मिले ये कहा गया था बाय द सेकंड एआरसी अभी तक ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ इनफैक्ट इट इज अ बोन ऑफ कंटेंशन जब भी हम लोग बात करते हैं आर्टिकल थ्री इलेवन को हटाने की ते 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 तो क्योंकि ये बनाया गया था टू प्रोटेक्ट ऑनेस्ट ऑफिसर्स बट इसका मिसयूज़ बहुत हद तक किया जाता है ऑफिसर्स अब ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन गिवन गिविंग प्रोटेक्शन टू सिविल सर्वेंट अंडर आर्टिकल थ्री हंड्रेड इफ यू हैलीस पर्टिकुलर स्टेटमेंट देंट इज नोन इसको मिस यूज कि, the कि किया जाता है लेकिन प्रो अगर हम लोग बात करें मैं आपको दो दे सकता हूं देखिए ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी चीज़ है ये, क्योंकि अगर आप की सिविल अर्जी आती, है, बहुत सारी आती है, है और किसी की जिसको मैंने नकार दिया इन प्रिंसिपल ऑन बेसिस ऑफ रूल्स लेकिन दैट पर्टिकुलर सिटीजन सिंपली अक्यूज मी ऑफ बींग करप्ट एक केस डाल देते तो,

करे या ना करे बिकॉज आर्टिकल थ्री हंड्रेन इलेवन इज अ डबल एजेड स्वर्ड सो यू लेट मी नो वट इज योर थॉट प्रोसेस अबाउट दिस बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पर्स्पेक्टिव शुड वी कीप आर्टिकल थ्री हंड्रेड इलेवन और शुड वी डिलीट इट एंड ब्रिंग अ लॉ एज सजेस्टेड बाई द सेकंड ए आर सी दैट इज इट राइट नाउ फ्रॉम माई साइड ऑन दिस पार्ट डिस्कशन थैंक यू फॉर वॉचिंग जय हिंद